आजकल बच्चों के अंदर एक दौड़ चली हुई है कंपैरिजन कि वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा पढ़ता है, वो ज़्यादा खेलता है, वो अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा वक्ता है। बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ कहे ही सामने आते हैं और उनके सामने चुप बैठ जाते हैं। अपना आत्मविश्वास कमज़ोर, अपना डर, अपनी हीन भावना और अपने आप को उनसे कंपेयर करके कमज़ोर समझना, जब इस प्रकार की बात आती है तो हम हर वर्ग में पिछड़ते चले जाते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है? ये आपके आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो 10 लोग हैं, वहाँ से शुरू होता है। चाहे वो आपके परिवार के हों, आपके संगी साथी हों, आपके मित्र प्यारे हों, वो लोग आपकी जो अक्षमता है उसको उठाने की बजाय उसको रोक देते हैं कि अरे वो तो इतना पढ़ा लिखा है, तुम क्या हो उसके आगे, अरे वो तो ये करता है, इतना अच्छा बिजनेस किया है, तुम यहाँ गर्भ में पड़े रहते हो। माता पिता भी उसकी जो सोचन शक्ति है, जो विचार शक्ति है, जो उनका आत्मविश्वास है, उसको कमज़ोर करते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उनके अंदर जो हीनता की भावना पैदा होती है, जो उनके अंदर अपने आप में कमजोरी महसूस होती है, जो अपने आप में आत्मविश्वास मर जाता है, तो उसका जो खेल होता है ना, वो इतना भयानक होता है कि वो पूरी उम्र ऑफिस में डरता रहता है, अपनी पत्नी से डरता रहता है, बच्चों से डरता रहता है, घर में भी घबराता रहता है, बाहर कहीं किसी भी प्रकार से गया कार्य के लिए वहाँ दूर खड़ा रहता है, किसी से बात नहीं कर पाता, हिचकिचाता रहता है, सामने से कोई कुछ भी बोल दे उसे भयभीत हो जाता है, एकदम से डर में कांपने लगता है। अपनी जो उसकी अक्षमता है ना, जो घर में चारों तरफ के 10-20 लोगों ने जो दबा दी है, उसको मतलब सीमित कर दिया है, वो नहीं उठ पाता। और जो फूल उसका खिलना होता है ना, जो कमल खिलना होता है, वो बिना खिले ही मुरझा जाता है। आप एक बात समझो, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव अपने आप में अलग बनाया गया है, उसकी अलग पहचान है, अलग विशेषताएं हैं, अलग कलाएं हैं। लेकिन कुछ लोग मेहनत करके खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा बोल्ट जैसे खिलाड़ी को, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को, वो मेहनत करके खड़े हुए हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे, आप भी उसी प्रकार से संघर्ष करोगे, आप भी उसी प्रकार उसी रास्ते के ऊपर चलोगे, हीन अगर वो हीन भावना का शिकार होते, अगर वो डिप्रेशन में चले जाते, अगर वो इस संसार को नहीं समझ पाते, अगर वो अपने गेम में, अपनी लाइन में संघर्ष करके, मेहनत करके नहीं खड़े हो पाते, तो आपकी तरह से वो भी आज एक कमरे के अंदर बैठे होते, एक कोने के अंदर बैठे होते और हीन भावना का शिकार हो करके और एक फेलियर की मोर लग गई, वो फेल हो गए होते जीवन से भी और घर से भी, और फिर हर समय यही कमेंट पास होते रहते, घर वाले बाहर वाले ताने देते रहते और ज्यादा हीनता का शिकार हो जाते। तो आप उस इस चीज से उठ करके, संघर्ष करके, ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अपने विचारों के साथ तालमेल बना करके आप इससे बाहर निकले। कोई भी बिना संघर्ष के मजबूत नहीं हो सकता, बिना पढ़ाई के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना समझ के ऊपर नहीं उठ सकता। तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी यहीं से गुजर करके गया। आप ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। जब आप भी उसी मार्ग से गुजर करके जाओगे, आप उससे भी श्रेष्ठ हो सकते हो, उससे आप 2 कदम आगे भी निकल सकते हो। सबसे पहले तो जो लोग हैं ना बाहर वाले, उनकी सुनना बंद कर दो कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब कुछ बंद कर दो और फिर उस रास्ते का चुनाव करो, जो फिर आप उनके संतों के जीवन को, जिन्होंने संघर्ष किया है और अपने जो लक्ष्य बनाया है
उसके टारगेट करके आप उसके ऊपर चलना प्रारंभ करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई भी आपको इस जीवन में नहीं रोक पाएगा।